हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज आपको बताएंगे इंफोसिस लिमिटेड शेयर के बारे में। फ्रेंड, इस शेयर में कल 4% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला और ये निफ्टी का टॉप लूजर बना फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड यूएस मार्केट एकदम धड़ाम से गिरे और यूएस मार्केट में महंगाई की दर आई है, जिस वजह से इसमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, ये शेयर काफ़ी अच्छा है और इसने अभी शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए फ्रेंड, वो फ्रेंड अभी देखेंगे। और इस शेयर का जो 52 वीक हाई है वो 1953 रुपये का है और अभी शेयर आपको 1475 रुपये में मिल रहा है। तो फ्रेंड, इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, इसको आप इस डिप में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये शेयर काफ़ी अच्छे करेक्शन दामों पे मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस शेयर के रिटर्न देखते हैं। फ्रेंड, इस शेयर ने 1 महीने में -7% का निगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड, इस शेयर ने 6 मंथ में 19% का निगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि फ्रेंड IT कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा दबाव देखने को मिला है, जिस वजह से इस शेयर में भी दबाव देखने को मिला है। चलिए फ्रेंड, 1 साल के रिटर्न देखते हैं इसके। फ्रेंड, इस शेयर ने 1 साल में -13% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर ने 1 साल में भी सिर्फ 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि विप्रो जैसी कंपनियों के दाम आधे हो गए हैं। तो फ्रेंड, ये कंपनी IT में काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, इस शेयर के दाम उतने नहीं गिरे जितने की बाकी कंपनियों के गिरे। फ्रेंड, आप इन्फोसिस पे बिलीव कर सकते हैं और इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि IT में ये इन्फोसिस सबसे बढ़िया शेयर है, जो कि फ्रेंड मुझे लगता है कि इन्फोसिस IT का सबसे बढ़िया शेयर है। IT के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें फ्रेंड, और ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इस शेयर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड, इस शेयर का जो सपोर्ट होगा वो 1439 रुपये का है फ्रेंड, जो कि शेयर ने 7 सितंबर को शेयर 1439 रुपये को तक गया था, फिर उसके बाद शेयर में रिवर्सल देखने को मिला फ्रेंड। और अभी शेयर फ्रेंड, इस शेयर ने 1475 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। फ्रेंड, इस शेयर का रेजिस्टेंस 1563 रुपये का है, जो कि शेयर ने 1 अगस्त को शेयर ने 1563 रुपये का इसका रेजिस्टेंस होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस शेयर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के इसमें बाय करें, बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड, इसका RSI 43.71 का चल रहा है, जो कि काफ़ी कम है, इससे हमें एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये RSI अपने बॉटम को छू जाता है, अगर ये RSI इसका फ्रेंड इसका RSI अगर बॉटम को छू जाता है, आप इससे में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये शेयर बॉटम को छूएगा, अगर ये RSI इसके बॉटम को छूएगा तो इससे हमें एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। इससे कि DMA की लाइन देखते हैं। फ्रेंड, इस शेयर ने अपने 20 DMA एंड 50 DMA की लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन शेयर में बाद में गिरावट देखने को मिली, जो कि US मार्केट की वजह से हुआ। तो इस शेयर में अभी 50 DMA एंड 20 DMA की लाइन से नीचे चल रहा है शेयर। अगर ये शेयर इसकी लाइन अगर ये शेयर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, आप इस शेयर में 1500 एंड 1550 के टारगेट के लिए इसमें बाय कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।